चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। अभी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया गया है। उनकी प्रयागराज उन्हें जाना था, बताया जा रहा है कि जो वो विजिट है उसे फिलहाल कैंसिल कर दिया गया। और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो सरकार है वो डर गई है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से। बट फिलहाल बताया जा रहा है कि क्लैरिफिकेशन आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी से, वो बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुद ये फ्लाइट कैंसिल कर दी गई थी। तो सच्चाई आखिरकार क्या है, पहले एक बार कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन भी सुन लेते हैं। और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके और उनको फिर आगे प्रयागराज जाना था, प्रयागराज में उनका कार्यक्रम था, पर आज ये यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरी तरीके से सरकार के दबाव में और अस्वती का हवाला देकर इन्होंने उनकी जांच उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय तो जा चुकी हैं बहुत पहले ही और इनका आगमन भी जिस तरीके से इन लोगों ने ये कहा कि नहीं यहाँ पर अभी पूरा सारा ट्रैफिक जैम है और उस तरीके से इन्होंने उसका बहाना दिखाकर ये कार्यक्रम इन्होंने जानबूझकर दबाव में इन्होंने परमिशन नहीं दिया। प्रयागराज में क्या कार्यक्रम थे? प्रयागराज में कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम था आनंद भवन में उनका और उसमें जाने वाले थे शरीक होने। उसके बाद वाराणसी को भी आशुतोष के पास जाना चाहूंगी इसको लेकर। आशुतोष, जहां तक अथॉरिटीज का रिस्पांस है, उन्होंने बोला कि ये कांग्रेस ने खुद कैंसिल किया था, पर वहीं कांग्रेस जो है वो एक वेंडेटा का जो चार्ज है वो लेवल कर रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, देखिए जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो लगातार सुर्खियों में है और पिछले 24 घंटे की ही बात करें तो लगातार दूसरी बार जब है जब राहुल गांधी विवादों में है। सबसे पहले उन्होंने अपने सरनेम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए और अब उनके जो समर्थक हैं वो राहुल गांधी के प्लेन की लैंडिंग को लेकर एक तरीके से भाजपा सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। दरअसल कल राहुल गांधी को कुल्लूर से वाराणसी आना था और इसके लगभग 10:30 बजे का समय था दिया गया था, लेकिन जब उनके समर्थक वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो विमान है उसको उतरने की इजाजत नहीं मिली है और इसी के बाद हंगामा शुरू होता है। कांग्रेस के जो नेता हैं अजय राव, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि स्थानीय प्रशासन के दबाव में, भाजपा सरकार के दबाव में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी। लेकिन दूसरी तरफ विमान अथॉरिटी का ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी पहले ही दे दी गई थी कि यानी 9:30 बजे ही जो कुन्नूर से जो विमान आ रहा था वो सीधे अब वाराणसी ना आके उसको डाइवर्ट करते हुए दिल्ली जाना था और इसकी सूचना पहले ही दे दी गई थी। तो ऐसे में जो कांग्रेस के नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। दरअसल राहुल गांधी को वाराणसी आना था और इसके बाद लगभग रात में ही उन्हें प्रयागराज जाना था। इस बीच में देखिए बहुत ये मायने की बात है कि वाराणसी से जो प्रयागराज की दूरी है वो लगभग 120 किलोमीटर है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी कि सुरक्षा की दृष्टि से 120 किलोमीटर का जो सफर है वो बाई रोड राहुल गांधी सफर करते। तो हो सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि के देखते हुए जो पार्टी के आलाकमान, पार्टी के जो बड़े नेता हो, उन्होंने जो पूरा वाराणसी का। तो आशुतोष एक बार बने रहिए, हम एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी जो बयान आया है सामने, हम वो भी सामने रख देते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये कहा है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर है उन्हें जो जानकारी दी गई थी वो रात के 9:30 बजे थी कि एयरक्राफ्ट में राहुल गांधी जी जाएंगे कन्नूर टू न्यू दिल्ली और फिर बाद में बताया गया कि उनके प्लान ही कैंसिल हो गए वाराणसी आने के। तो आशुतोष इस पर क्या खबर मिल रही है, एयरपोर्ट ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं इस पर? क्योंकि एयरपोर्ट डायरेक्टर का साफ तौर पर कहना है कि 9:30 बजे रात में ही उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि जो कुन्नूर से विमान वाराणसी आने वाला था उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, अब वो वाराणसी नहीं बल्कि सीधे दिल्ली जाएगा। और इसी बात का लेकर वो कांग्रेस यारी जो अपना क्लेरिफिकेशन है उन्होंने देने की कोशिश की। उन्होंने इतना भी कहा कि देखिए हमारा जो एयरपोर्ट है वो 24 घंटे विमान के लिए एक तरीके से खुला हुआ है। ऐसे में जो कांग्रेस के नेता जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। ये जो फैसला था विमान को न लाने का ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से था, न कि उनकी ओर से विमान को लैंड करने की इजाजत देने का। कोई सवाल ही नहीं होता है, जब विमान आ ही नहीं रहा है तो फिर लैंड करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ऐसे में जो कांग्रेस के नेता है वो पूरी तरीके से एक तरीके से जो उनका आरोप है वो बेबुनियाद है। जी Right, so this is what the Congress has to say. They have alleged that the airport authorities did not grant permission as they were under pressure from the district administration. However, as per the authorities, the trip was itself cancelled by the party and that is the kind of response coming in. So, of course, charges and counter charges are being played as far as this entire row is concerned. We'll keep track in the story.